नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुलवार से स्पेशल बायोलॉजी प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि एक 3 दिन से काफ़ी वायरल चीज़ें चल रही हैं आपके सामने, और वायरल क्या एकदम सत्य बातें हैं कि बीपीएससी शिक्षक और शिक्षिका के संबंध में इतनी बड़ी बात बोल दी गई है कि अगर ऐसा करता हुआ कोई भी शिक्षक या शिक्षिका मिलती हैं या पाई जाती हैं तो उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। आखिरकार वो कारण क्या है, वजह क्या है, बिहार सरकार शिक्षा आयोग क्या चाहती है, क्या TRE-4 के लिए वैकेंसी बचा करके टीचरों को, शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को निलंबित करके, हटा करके, कैसे भी करके वैकेंसी लानी चाहती, जबकि TRE-3 अभी पूर्णतया कंप्लीट नहीं हुआ, रद्द करके उसको स्थगित कर दिया गया है। तो आखिरकार ये बड़ी घटना क्या है, निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी का कथन क्या है, ये बात समझने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। और अभी कल ही अमिताभ कुमार जी और सुरेंद्र प्रसाद जी ने तो हंसकर ये बातें बड़े अच्छे से टाल दी, कमेंट बॉक्स में इन्होंने बड़े अच्छे से इमोजी भेजी है। और जबकि अमिताभ कुमार जी ने ये भी बात बोली है कि बहुत 100% सही होगा। यार मैं ये समझता हूँ भाई कि क्या सही होगा, क्या कभी किसी को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्या? बिल्कुल पड़ती है। तो आखिरकार कैसे कन्हैया प्रसाद जी इस चीज़ को लेकर के इतना परेशान हैं और शिक्षक शिक्षिकाओं को परेशान भी कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर सही भी है। आइए वो बात समझते हैं, आखिरकार वो बात है क्या। तो बिहार सरकार शिक्षा आयोग का सख्त आदेश है कि यदि, अब यदि में यहीं पर है सारा मामला, यदि कोई शिक्षक बीपीएससी में, जो 9 चयनित शिक्षक अभी हुए हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, यदि किसी शिक्षिका को अपनी मोटरसाइकिल, खुद की मोटरसाइकिल अपने साथ अगर बैठा कर लेके जाते हैं, विद्यालय छोड़ते हैं उसको, तो अगर ऐसा कई बार हुआ, एक बार हुआ, दो बार हुआ, चल सकता है मे बी, जब तक वो किसी के नज़र में ना पड़े। खासकर आप मनीष कश्यप जी का नाम सुने होंगे बिहार पटना में, वो तो भैया यही कर रहे हैं कि कहीं पर भी कुछ भी खबर, ऐसे फर्जी खबर निकाल दें इधर उधर, तो वो उनसे बच कर के रहिए। अगर किसी मीडिया के, सोशल मीडिया के सामने आप अगर ऐसा पड़ गए, तो कन्हैया प्रसाद जी के संबंध में ये बातें पहुंच गई, उनके कानों तक पहुंची, तो ये पक्का है भाई कि जो आपकी जॉब है वो जा भी सकती है। इसलिए किसी भी महिला अध्यापिका को आप सहारा देने का प्रयास कतई ना करें कि अरे नहीं लेडीज़ है तो इनको छोड़ देते हैं, कहाँ सवारी मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो ये आप जो है अपनी मोह माया को त्याग करके अपने जॉब पर अपना काम करिएगा भैया, नहीं तो जो नौकरी मिली मिलाई है ना, तो वो भी चली जाएगी। तो यही बातें हम 9 चयनित अध्यापकों को सूचना देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जो इस पर, यानी YouTube पर बहुत कम एक्टिवेट होते हैं, तो थोड़ा सा जो भी लोग, जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे होंगे, वो ज़रूर इनको शेयर कर देंगे, क्योंकि जिससे हो सकता है बहुत सारे ऐसे जो दयावान अध्यापक हैं, दया तो सबके अंदर होती है लेकिन कुछ ज़्यादा दया दिखाते हैं, तो वो अपनी नौकरी धो बैठेंगे, हाथ से धो बैठेंगे, इस वजह से दया को छोड़ करके अपने काम पर फोकस करेंगे, अपनी नौकरी करेंगे, यही हमारा सुझाव है। और ये बात कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी ने साफ साफ बोली है कि भैया अगर ऐसा हुआ, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि इससे क्या होता है कि इफ़ेक्ट जो है, बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। प्रभावित होने का मतलब ये है कि बच्चों के अंदर गलत व्यवहार जाता है कि यार मैडम और सर लोग ऐसे, मतलब, तो ये चीज़ें थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर सही भी दिख रहा है कि कन्हैया जी ने बहुत सही काम किया है। इसके पहले अतुल प्रसाद जी, वो भी बड़े अच्छे से काम, मतलब पूरा अच्छे से काम बिहार में इस समय चल रहा है शिक्षा को लेकर के, तो इसलिए सख्त कार्रवाई की जाएगी भैया। तो आप सभी लोग, और अमिताभ जी जो आप कह रहे हैं कि भैया 100% सही होगा, मान लेते हैं आपकी बात की सही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये हर जगह पर नहीं लागू होता है। तो आप पहली बार चैनल पे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको इस प्लेटफॉर्म से सभी जानकारी, आपको शिक्षा से संबंधित जानकारी सारी मिलती रहेंगी, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।